मेरे प्यारे सनातन प्रेमी भाइयों, आप सभी को रविराज की तरफ से राम राम। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और बाबा तुलसीदास द्वारा वर्णित रामचरितमानस की वही कहानी एक नए अंदाज में सुना रहा हूँ, उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। वाल्मीकि ने लिखी है, तुलसीदास ने कही है, आज वो ही कथा दोहराते हैं। चौथापन है आया जब पुत्र न होने पाए, अयोध्या में दशरथ पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाए। अग्नि से प्रकट खीर रानियों को खिलवाए, पुत्र रूप में राम लखन भरत शत्रुघ्न पाए। खुशियाँ चारों ओर छाई, सभी दे रहे बधाई, सोहर मिल जुल के नर नारी गाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। श्री राम को वन जाने का आदेश देकर महाराज दशरथ पुत्र मोह में पड़कर राम से कहते हैं कि बेटे तू अयोध्या का युवराज है, राजा की कुर्सी पर पहला हक तुम्हारा है। बेटे तू एक काम कर, मेरी बात मानने से इनकार कर जा और तू वन को मत जा। इस पर प्रभु राम कहते हैं कि पिताश्री, आप हमारे कुल की परंपरा को भूल रहे हैं। हमारे कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन ना जाई। इस तरह से राम जी वन के लिए निकल जाते हैं और पुत्र के वियोग में राम राम कहते हुए राजा दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अयोध्या से वनवास राम जब चले आए, पुत्र का वियोग दशरथ नहीं सह पाए। राम राम रटते रटते प्राण कंठ में आए, प्राण निकले तन से बैकुंठ लोक को पाए। कर ले राम की तू भक्ति, मिले सुख शांति मुक्ति, राम ही पार भव से लगाते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, माँ गंगा का वो पावन तट जहाँ से प्रभु राम को गंगा पार करके अपनी आगे की यात्रा पर जाना था, प्रभु राम अपने भाई लखन और अपनी पत्नी भारतेश्वरी माता सीता के साथ श्रृंगवेरपुर घाट पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनको केवट भैया मिलते हैं। अब केवट भैया से राम जी कहते हैं कि केवट भैया, हमें गंगा के उस पार जाना है, तो आप हमें गंगा के उस पार पहुंचा दो। केवट भैया प्रभु राम को जब देखते हैं तो उनके चेहरे का तेज देखकर वो पहचान जाते हैं और फिर
मनहर अवधी भाषा में केवट भैया कहते हैं, नाही प्रभु नाही, और सब तो ठीक है, लेकिन हम आपके गंगा पार नहीं पहुंचा सकते हैं। हम सुने रहे कि आप ही के पैरवा से लग के पत्थर का सिला नारी बन गई रही। अब आप ही बताओ माई बाप कि आपके पैरवा से लग के अगर हमारी नैया भी नारी बन गई तो एक तो पहला ही से घर में है और एक दूसरी नारी लेके हम का करब। और हमारी नैया अगर नारी बन गई तो हमारे बाल बच्चा का खई हैं, हम कहाँ जाइब, का करब। देखो प्रभु, हम कुछ ना ही जानत हैं। अगर आपको गंगा जी के पार जाना है ना, तो आपके अपने चरण धुलावे के पड़ी, ताकि आपके चरण की धूली पानी के साथे धुल जाई और हमारी नैया बच जाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवट की जिद के पीछे उसके मासूमियत को पहचान जाते हैं और अपने चरणों को धोने की अनुमति दे देते हैं। गंगा पार पहुंच के जब राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है, वहां पर माता सीता अपनी मुंदरी उतारती है, जिसे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि पिय ही अहित सी अजान नहारी, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी। मुंदरी उतार कर माता सीता देती हैं कि प्रभु, उतराई के रूप में इसे आप केवट को दे दीजिए। और केवट ठहरा उत्तर प्रदेश का जिद्दी, वो कहता है कि नहीं, मैं तो उतराई लूंगा नहीं। प्रभु राम कहते हैं क्यों? तो केवट कहता है कि भैया, भले हम अलग अलग हैं, आप प्रभु हैं मैं सेवक हूं, लेकिन काम तो हमारा एक ही है। लक्ष्मण जी अचंभित होकर केवट से पूछते हैं, केवट भैया, आप और हम एक जैसा काम कैसे कर सकते हैं? तो केवट बेहद मासूमियत से वीर लक्ष्मण को समझाते हैं कि अरे लखन भैया, जैसे हम गंगा पार करावत हैं उसे ही प्रभु भव से पार करावत हैं, तो आज हम आपसे उतराई नहीं ले रहे, और जब हम आएंगे तो आप हमसे भव से पार करवाने का कुछ मत लेना। इस तरह से प्रभु केवट की बात मानकर वहां से आगे बढ़ते हैं। केवट पुकारे प्रेम से तो राम जी मिले आके, धोया पावन चरणों को देखे प्रभु मुस्का के, धोया पावन चरणों को देखे प्रभु मुस्का के। राम लखन सीता को संग नाव में लाया, भव से पार जो करते उनको पार पहुँचाया, भव से पार जो करते उनको पार पहुँचाया। प्रभु दे रहे खेवाई, केवट ले नहीं उतराई, अंत में उसको स्वर्ग ले जाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। महर्षि गौतम के श्राप से रानी अहिल्या पत्थर स्वरूप हो गई थी। प्रभु राम अपने वनवास की यात्रा के क्रम में जब उस शिला के समीप आते हैं, तो अपने चरणों के स्पर्श से उस शिला को नारी बना देते हैं, और उनके नारी बनने के बाद प्रभु श्री राम उन्हें मां कहकर संबोधित करते हैं। इस बात से ये सीख मिलती है कि अगर ईश्वर ने आपको ऊंचाई दी है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो किसी दबे को, किसी कुचले को, समाज द्वारा बहिष्कृत किसी इंसान को आप आदर दें, सम्मान दें, उसका मनोबल बढ़ाएं, तभी सच्चे मायने में आप राम भक्त कहला सकते हैं, तभी सच्चे मायने में आप राम को मानने वाले कहला सकते हैं। मां अहिल्या के उद्धार से हमें यही सीख मिलती है।
जय सियाराम। नारी बनी पत्थर गौतम ऋषि के शाप से, तारने अहिल्या को आए अभिशाप से, तारने अहिल्या को आए अभिशाप से। पत्थर भी बनी नारी चरणों की धूली को पाके, दर्श दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या के, दर्श दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या। महिमा राम की है भारी, जाने ये दुनिया सारी, राम नाम लेके पत्थर भीतर जाते हैं। रावण जब माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका की ओर ले जा रहा था, जिस रास्ते से रावण जा रहा था उसी रास्ते में जटायु जी का आवास था। जटायु जी के कानों में जब आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ हे राम लक्ष्मण बचाओ, कोई तो बचाओ, वहां पर जटायु एक पल की भी देरी किए बिना उड़कर आकाश मार्ग में जाते हैं, और यह जानते हुए कि वह रावण को हरा नहीं पाएंगे रावण से लड़ते हैं। रावण जब अपने चंद्रहंस खड़क से उनके पंख काट देता है तब वह आकर जमीन पर गिरते हैं, मगर शरीर में जान रहते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं सीता को किसी भी तरह बचा लूं। घायल जटायु जमीन पर गिरे होते हैं, जहां पर प्रभु राम आते हैं और उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर जब यह जान लेते हैं कि सीता के कारण उनकी यह दशा हुई है, सीता की रक्षा करने के क्रम में उनके पंख कटे हैं, तो प्रभु श्री राम उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि हे पक्षीराज जटायु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दें। इस पर जटायु जी कहते हैं कि प्रभु, आपके गोद में अगर मेरे प्राण निकल रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, इससे बड़ी दौलत मुझे कौन से मिल सकती है। इन वचनों को कहकर राम राम कहते हुए जटायु जी अपना नश्वर शरीर छोड़ देते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। सुनकर पुकार सिया की आकाश में उड़कर आया, लंकापति रावण से जटायु जाके टकराया, लंकापति रावण से जटायु जाके टकराया। घायल जटायु गिर के गगन से जमी पर आया, मौत सामने थी वो राम नाम चिल्लाया, मौत सामने थी वो राम नाम चिल्लाया। लिया जटायु ने नाम, मौत को भी रोके राम, अपने सीने से भक्त को लगाते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। माता शबरी गुरु मतंग की शिष्या और प्रभु राम की अनन्य भक्त सालों से प्रभु राम की राह देख रही थी। प्रभु राम जब माता शबरी की कुटिया में आते हैं तो माता शबरी बेर चख चख कर चुन चुन कर इकट्ठा करके रखी होती है, वही बेर माता शबरी प्रभु राम को खाने को देती है। प्रभु राम और भाई लक्ष्मण उस बेर को खाते हैं, हालांकि बेर जूठे थे मगर प्रभु श्री राम बड़े प्यार से और बड़ा आनंद लेकर वो बेरों को खा रहे थे, मगर लक्ष्मण जी बेरों को हिचकिचा कर खा रहे थे
और नजर बचाकर फेंक दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंका वो बेर पहुंचा ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर वही बेर जिसने संजीवनी बूटी का रूप लिया और वही संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए जब वो युद्ध में मूर्छित पड़े हुए थे। नील ने माता शबरी को राम लखन आते हैं, भिलनी को माता कह राम जी बुलाते हैं, भिलनी को माता कह राम जी बुलाते हैं, बेर दिए शबरी ने राम मेरे खाते हैं, झूठे बेर खाने में लखन हिचकिचाते हैं, झूठे बेर खाने में लखन हिचकिचाते हैं। लगी लखन को जब शक्ति वही बेर बना बूटी जिसे हनुमान जाकर पिलाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। प्रिय सनातन प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि आजकल का जीवन भाग दौड़ से भरा है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि गृह कारज नाना जंजाला, इसलिए मैं कहता हूं और आप सब जानते भी हैं कि जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न मिले काम से, थोड़ा सा वक्त निकाल ले, कर ले प्रेम राम से, अपना काम भी करते रहें और प्रभु का स्मरण रखें, उन्हें याद करते रहें, ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कर सकें और उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमारा मनोबल और दृढ़ हो। और चाहे खुशी हो या गम हो, उतार हो या चढ़ाव हो, जीवन का बैलेंस बना रहे। आप सभी राम भक्तों को मैं रविराज एक बार फिर प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और किसी भी त्रुटि के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। जय जय सियाराम। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न होगी काम से, राम राम कह ले बंदे प्रेम कर ले राम से, संजय की मानो बात कटे जिंदगी आराम से, रवि कहे प्राणी नाता जोड़ ले तू राम से, रवि कहे प्राणी नाता जोड़ ले तू राम से, अपने भक्तों के प्यारे राम सबके सहारे, राम सबकी ही बिगड़ी बनाते हैं। भिलनी महातपस्विनी शबरी जा को नाम, मतंग मुनि कह कर गए तोहे मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया मां भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के
के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन, बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती, चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि माँ शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे, बल्कि कहते थे, ये कौन दिखात कुटी माँ नारी, ते उत जाती है मूद भरी, छिन भी तर बाहर होत छिना सुख सो नहीं बैठत एक खरी, यही के तन में कछु पीर भई, ये वियोगी न मान समाहि जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी। मतंग शबरी को बताए, बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए, राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर, शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर, शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर, राम नाम में लीन हो गई, राम नाम पाकर ज्ञान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। माँ शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब माँ शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया,
की शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है मगर तू तो ऐसी खुश नसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। माँ शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी, चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी माँ बिछाती थी। शबरी माँ सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी माँ राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे के अखियां पंथ निहारे। उमरिया बीती जाए रे के अखियां पंथ निहारे। जर जर हो गई काया फिर भी, जर जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं समय समय के साथ बीतता गया। माँ शबरी अब बूढ़ी हो गई। माँ शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। माँ शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज जहां पर कुंभ का मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी माँ शबरी को प्रभु श्रीराम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से ये इच्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर उसके राजा पति ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। ये बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और ईश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना। इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में चाहे तो मुझे भीलनी बना देना, मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन ना हो। वो राजकुमारी अगले जन्म में माँ शबरी बनी, वही माँ शबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी। वो सुंदर आसन लगा के
स्वच्छ कुटिया को सजा के राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के अब तड़पाओ राम मेरे आ भी जाओ दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी पूर्ण करो अरमान भाव के भूखे हैं भगवान 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 अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है राम से बड़ा राम का नाम और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे वो हर वक्त हे राम बोलती रहती थी प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में तर तर भटक रहे थे उनके कानों में ये आवाज गूंजी उन्होंने अपने भाई लखन से कहा प्रिय अनुज ध्यान से सुनो मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है मैं भी अपनी माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूं चलो अनुज माता शबरी की कुटिया में चलते हैं प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं माता शबरी रो रो के कहने लगती है मेरे राम आप आ गए मेरे राम आप आ गए आंसू भरी आंखों से मां शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी दोनों हाथों को जोड़कर दौड़े दौड़े मां शबरी ने प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी मेरे राम मैं तो दो जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी लोग मुझे पागल बुला रहे थे मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी राम लक्ष्मण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुस्काते प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई प्रभु के पांव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई खुशी के आंसुओं से
पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए। भक्त न शबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मित्रों, मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा, वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है। और वो बात ये है कि ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है, मगर हम ईश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण हैं। हम पैदा तो इंसान के रूप में होते हैं, मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है। इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो। और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने, दयालु बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे ईसा मसीह के रूप में। जो भी इंसान ईश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर की बात है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है। उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है। मन हो गर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते। प्रसाद की बात करें क्या, वो जूठे बेर भी खाते। प्रसाद की बात करें क्या, वो जूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे हैं अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी, साउंड इंजीनियर श्री कैलाश डंडरियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगीतकार लवली शर्मा, मैं आपका अपना रविराज और वीर म्यूजिक परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुलाओ भक्त और भगवान की जय। तेरे चरणों में हो मेरा धाम, हो तेरे चरणों में हो मेरा धाम। बस इतनी है तुमसे, बस इतनी है तुमसे मेरी विनती है राम। तेरे चरणों में हो
मेरा धाम। राम तेरे चरणों में हो मेरा सारे जगत के हो तुम रखवाले। सारे जगत के हो तुम रखवाले। तुम रखवाले हो तुम रखवाले। तुम रखवाले हो तुम रखवाले। सारे जगत के हो तुम रखवाले। खुद को किया मैंने तेरे हवाले। खुद को किया मैंने तेरे हवाले। बस इतनी है विनती, बस इतनी है विनती मेरी तुमसे है राम। तेरे चरणों में हो मेरा धाम। नाम तुम्हारे सारा जीवन लिखा है। नाम तुम्हारे सारा जीवन लिखा है। जीवन लिखा है अपना जीवन लिखा है। जीवन लिखा है अपना जीवन लिखा है। नाम तुम्हारे सारा जीवन लिखा है। सब कुछ तुम पर ही छोड़ दिया है। सब कुछ तुम पर ही छोड़ दिया है। बस इतनी है विनती, बस इतनी है विनती मेरी तुमसे है राम। तेरे चरणों में हो मेरा धाम। हे रघुराई कोई नहीं है मेरा हे रघुराई। हे रघुराई हे रघुराई हे रघुराई हे रघुराई। कोई नहीं है मेरा हे रघुराई। भक्तों के बस तुम एक सहाई। भक्तों के बस तुम एक सहाई। बस इतनी है विनती, बस इतनी है विनती मेरी तुमसे है राम। तेरे चरणों में हो मेरा धाम।
जग में सबसे बड़ा राम प्रभु का नाम, सबके मनोरथ सिद्ध करें सियापति श्री राम। जीवन नैया जो फंसे तेरी बीज मझधार, छोड़ दे नैया राम सहारे राम करेंगे पार। कष्ट सताए जो कोई भजो रे मन श्री राम, सारे कष्ट मिट जाएंगे लेते पावन नाम। रामायण जो भी पढ़े राम में मन को रमाए, उसके बिगड़े काम बने जीवन सफल हो जाए। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हो राम भजे होए त्रिविध कल्याण। काम क्रोध मद लोभ मरे मन का मिटे अंधकार, राम नाम रटते रहो भरे ज्ञान भंडार। इस जग में दो चीज है, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति हो पैसे से हर काम। राम नाम का जाप करो प्राणी सुबह हो शाम, आयु बल विद्या बढ़े मिले मान सम्मान। सारे मुँह मोड़ ले सूझे न कोई उपाय, नाम भजो श्री राम का प्रभु लेंगे अपना। राम नाम ही सत्य है मिथ्या सब संसार, राम ही तारे राम उबारे राम करे भव पार। राम नाम के कीर्तन से सुखी रहे परिवार, दूर हो मन की दुर्बलता जागे उच्च विचार। राम नाम के जपने से मिटता है अभिमान, राम कृपा से निर्धन भी हो जाता धनवान। से रक्षा करे शत्रु से राम बचाए, करते दूर कुसंगति को जीवन सरल बना। राम नाम किस्मत चमकाए सपने करे साकार, राम की जिस पे हो कृपा बढ़ता रहे व्यापार। भव बंधन को दूर कर मुक्ति दिलाते राम, सबका भाग्य विधाता है पावन प्रभु का नाम। राम नाम को लूट ले लगे न कोई दाम, शुरू से लेकर अंत तक राम ही आए काम।
राम प्रभु के भक्तों की कभी न होती हार, विजयी हो हर क्षेत्र में राम की महिमा पार। सुख शांति वैभव बढ़े हर दिन बढ़ती आए, पूर्ण हो मनोकामना राम जो होए सहाय। भक्तों पे दया सदा करते दया निधि श्री राम, श्री राम के नाम से बनते बिगड़े काम। श्रद्धा सहित श्री राम का करता जो गुणगान, यश कीर्ति वैभव मिले चमके सूर्य समान। नाम लेकर करे दीन हीन को दान, धन उसका कभी ना घटे जग में बने महान। राम के चरणामृत का जो भी करे रस पान, राम की उस पे हो कृपा कभी ना हो परेशान। भोग में तुलसी डाल कर जो प्रसाद को चढ़ाए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो मन चाहा फल पाए। जहाँ हो प्रतिमा राम की वहाँ न शोक समाए, पूजन से श्री राम के घर भी स्वर्ग हो जाए। जय रघुवीर रघुनंदन, करता हूँ तेरा वंदन। करता हूँ तेरा वंदन, रघुवीर जय रघुवीर रघुनंदन, करता हूँ तेरा वंदन। शाम तुम्हें ध्याता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं हूँ पानी तुम हो चंदन, करता हूँ तेरा वंदन। तुम पतित पावन कहलाते, प्रभु बेड़ा पार लगा
लगाते। काटो मेरे भी सब बंधन, करता हूँ तेरा वंदन। खुद को मुक्त किया, ये जीवन तुमको सौंप दिया। अब मन में रही ना उलझन, करता हूँ तेरा वंदन। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, उज्ज्वल हुआ मन का दर्पण। मेरा स्वर्ग सा हो गया जीवन, करता हूँ तेरा वंदन। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो
सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही, राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।